अधिकार की बात केवल एक जगह आती है, कब? जब केकई ने कहा राजा दशरथ से कि वो जो आपने तीन वरदान दिए थे ना, मुझे अब प्रयोग करने का अधिकार चाहिए, और सारी की सारी समस्या की शुरुआत वहीं से होती है। ये वो मूल कारण था जो गांधी जी की माता जी ने कहा कि इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। अब इसी में मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अर्बन नक्सलिज्म पे भी आता हूं। जब ये लोग बात करते हैं तो बड़ी आकर्षक लगती है। मैंने आपको दो तीन बातें बताई कि जब आप तर्क की कसौटी पे कसेंगे तो आपको वो बात तथ्यात्मक नहीं लगेगी, दैट थिंग्स विल नॉट लुक सब्सटेंटिव। अब ये बताइए कि अधिकार की बात केकई ने की थी ना, तीनों रानियों में सबसे सुंदर कौन मानी जाती थी? केकई। जो चीज सबसे आकर्षक होती है विनाश के अक्सर सूत्र उसी में केकई के की सबसे प्रिय दासी या साथी कौन थी? मंथरा, जिसको कुबड़ी कहा जाता है। सबसे विकृत चीज सबसे आकर्षक चीज के पीछे छुपी होती है। और मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, सबसे खतरनाक चीज भी कैसे आती है। रामकथा में उदाहरण है, रावण ने जब सीता जी का हरण किया तो वो राक्षस के वेश में आया था क्या? साधु का वेश धर के आया था, मगर वो कह रहा था बस लक्ष्मण रेखा पार करो, लक्ष्मण रेखा पार करो। और सीता जी ये सोचकर कि हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये तो एक अच्छा चैरिटेबल काम है, और वो जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करती हैं और उसका असली स्वरूप समझ में आता है। ठीक यही ये अर्बन नक्सलिस्ट करते हैं। आपको एक साधु का आवरण ओढ़ के आते हैं, कहते हैं महान कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, इसमें आप जुट जाइए, और एक बार आप अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके वहां पहुंचे तब आपको समझ में आता, मगर तब आप चाहकर भी उसके चंगुल से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। अब मैं एक और बात कहूंगा ज्यादा विस्तार में न जाते हुए, इसके फंडामेंटल्स क्या है। देखिए लेफ्ट और राइट की जो आइडियोलॉजी है पूरी दुनिया में है, अब दोनों में एक एक अच्छाई भी है। मैं देखिए किसी जो नहीं कह रहा हूं सब में बुराई है। राइटिस्ट आइडियोलॉजी है जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, वो कहती है कि हम ग्रोथ की इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी देते हैं, जितना चाहो उतना ग्रो करो, अरबपति बन जाओ खरबपति बन जाओ कोई समस्या नहीं है। उसका फायदा क्या है? वो आपको मोटिवेशन देती है ग्रो करने का, इसलिए आप देखिए साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये सब चीजें इस ढंग की सोसाइटीज में ज्यादा होती हैं। माइनस पॉइंट क्या है साहब? हम रोटी की गारंटी सबको नहीं देते, हमारे यहां कोई भूखा भी होगा, भूखा मरने वाला भी होगा, और सड़क पे भीख मांगने वाले भी होंगे। लेफ्ट ये कहता है जी सबको रोटी कपड़ा मकान रोटी सबको इंश्योर करेंगे, मगर ग्रोथ की गारंटी नहीं देंगे। इसलिए जितनी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले देश हुए, शुरुआत में एक स्टेज तक जाके ग्रो किए और फिर वो स्टैग्नेशन के शिकार में होकर खत्म हो गए। क्यों? मानव मस्तिष्क का जो मूल स्वभाव है, रोटी कपड़ा और मकान हमारी आवश्यकता है पर वो हमारा अंतिम आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो पूरी होती तब मेरे हमारे मन की अन्य भावनाएं आती हैं और वहां पे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कंबल कर जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कोई व्यवस्था जहां पर कि दोनों चीजें हो, यानी ग्रोथ की नॉर्मस अपॉर्चुनिटी भी हो और हर व्यक्ति के को रोटी कपड़ा मकान भी अवेलेबल हो, वो कहां था? तो उसे भारत में था। कैसे? अगर आप देखें सिर्फ आज से 50-60 साल पहले हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में बड़ा सेठ वो माना जाता था जिसने बड़े धर्मशाला खुलवाए, प्याऊ खुलवाए, लंगर चलवाए, मंदिर बनवाए, पाठशाला बनवाए, ना कि बड़ा जिसके पास कैपिटल हो या टर्नओवर हो। सीएसआर पर तो हम आए हैं, अब गवर्नमेंट तो 70 साल पहले आई, इससे पहले धर्मशाला पौशाला सड़क बनवाना तालाब खुदवाना कौन करवाता था? और वही बड़ा माना जाता था। आप देखेंगे वेस्ट में धार्मिक स्थलों में लंगर की परंपरा नहीं है, हमारे यहां है। मंदिरों में गुरुद्वारों में हजारों हजारों लोग रोज लंगर खाते हैं, ये उसी विचार का प्रतीक है। अब देखिए एक बात और, अगली बात आती है। उन्होंने कहा जी आदर्श व्यवस्था तो वो है कि जिस व्यक्ति को कि जितनी सामर्थ्य हो वो उतना काम करे, ईमानदारी से उसे उतना हिस्सा मिले।
कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों कहते हैं नहीं साहब, बेस्ट सिचुएशन ये है, इसमें दोनों लोग लगभग एक मत है कि आई विल वर्क टू द फुलेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी एंड आई शुड बी अलाउड टू गेट द फ्रूट्स। तो उनका सिद्धांत क्या हुआ अगर एक वाक्य में कहें कि जो कमाएगा वो खाएगा, जो अच्छा कमाए उसको अच्छा खाने का मौका मिले। भारतीय विचार कहता नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय विचार यह कहता है कि जो आया है सो खाएगा, जो आया है वो खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। यह कम्युनिज्म का पीक है। अब आप कहेंगे तो थ्योरेटिकल बात हुई, ऐसा होता कहां है? ऐसा होता है। भारत में समाज की प्राथमिक इकाई परिवार है। परिवार में एक आदमी भी कमाता है तो सबको खिलाता है। अगर चार भाइयों में तीन भाई रोजगार से हैं, एक भाई बेरोजगार है तो वो मिलकर उसका ध्यान रखते हैं। बेटा बेरोजगार है तो बाप मरते दम तक उसका ध्यान रखता है, क्योंकि हमारे यहां कहा गया जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो आया है वो खाएगा। अरे भाई आप तो सिर्फ आदमी तक रहे, हमारी ये सोच इतनी व्यापक थी। मैंने कहा ना झूठ के पुलंदे कैसे रखे गए। अगर आप लोगों से बहुत को ध्यान हो तो जब पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष जिसमें पूर्वजों के लिए किया जाता है, तो उस दिन जिस दिन आप अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं उस दिन क्या होता है, तीन खाने के हिस्से निकाल के रखे जाते हैं। किसके लिए? एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए और एक गाय के लिए। क्यों? हमारे यहां गाय देवतुल्य पशु माना गया है, हाइएस्ट पेडेस्टल पे है। कुत्ते को शमशान का के देवता, भैरों का वाहन माना गया है, एंड ऑफ द लाइफ की तरफ दर्शाता है। और कौवा उस प्रकार की श्रेणी का जंतु है जो कि तमाम गंदगियों को साफ करता है। यानी हम सिंबॉलिकली ये कह रहे हैं कि अगर भगवान ने हमको सबसे डेवलप्ड क्रीचर ऑफ द अर्थ और ऑफ द यूनिवर्स बनाया है तो लोएस्ट से लेके हाइएस्ट तक हर आदमी का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, हर जीव जंतु का ख्याल रखना है। वो वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिस्टमेटिकली बैठकर आप लोगों के दिमागों में, हम लोगों के दिमागों में दो दो तीन तीन पीढ़ी से ऐसी चीजें बैठाई गई जिसके ठीक उलट थी। एक दो उदाहरण और दूंगा, जैसा अब ये भी ममता जी ने बोला फिल्मों के बारे में, फिल्मों में भी आपने देखा जैसे उन्होंने बताया एक ऐसा सीरियलों में करेक्टर होगा। अब मैं एक दूसरी बात की तरफ आता हूं। आपने जितनी हिंदी फिल्में देखी होंगी, भाई मैंने तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा नहीं देखी, एक आधा उर्दू की फिल्म ही देखी है, अन्य भाषाओं की तो फिल्में मैंने देखी नहीं है, मगर हर हिंदी फिल्म में शुद्ध हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ गया। हीरो क्या बोलेगा? 60, 70 और 80 के दशक तक उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था, पिछले 20 साल से इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलेगा। आप सबने वो गाना सुना होगा, विनोद खन्ना जी जिनकी डेथ हो गई, एक उनके ऊपर है जिसको कॉमेडियन गाना माना जाता है, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। ये गाना क्या माना जाता था? कॉमेडी का। और एग्जैक्टली यही गाना, यही वर्ड्स का गाना, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे, यह अच्छा गाना। और इतना ही नहीं, जी हाल मुस्किन मुगम्बर रंजिस बहार हिजरा में सारा दिल है, इसमें दिल के अलावा कुछ समझ में आया नहीं। हिंदी के शब्द आ जाए, अरे साहब बड़ी कठिन हिंदी, बड़ी क्लिष्ट हिंदी कहां से ले आए, अगर साफ साफ उर्दू भी बोल दिया ये कहां ले आए, अंग्रेजी मिक्स्ड होना चाहिए। भैया अंग्रेजी मिक्स्ड होकर हम देखिए, ये सारी चीजें हम लोगों के दिमागों में बैठा ली जा रही, हम कहां जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, मैं किसी भाषा के प्रति सम्मान या असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, एक तथ्य सामने रखना चाहता हूं। अंग्रेजी भाषा में केवल 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, केवल 5 वॉवेल और मात्रा पाई जैसी कोई चीज ही नहीं है, इसलिए इसमें साइलेंट का भी प्रॉब्लम है और एक्सेंट का भी प्रॉब्लम है। एक कश्मीरी और पंजाबी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक बिहारी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक तमिल और केरलाई जिस एक्सेंट में बोलता है, उसमें भारी अंतर है। मगर जिन लैंग्वेजेस की फोनेटिक्स डाइवर्सिफाइड है, अब जैसे उसमें मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देता हूं, संस्कृत। आप वैष्णो देवी के मंदिर जाइए या तिरुपति बालाजी के मंदिर, काशी विश्वनाथ या कामाख्या, जब पुजारी मंत्र बोलना शुरू करता है एक्सेंट में कभी डिफरेंस देखा है? वो भी तो उसी उसी इलाके के हैं। क्यों?
क्योंकि आपकी लैंग्वेज की फोनेटिक्स डेवलप्ड है, साइंटिफिक है। उदाहरण के लिए आप सब ने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, हिंदी में कहते हैं ना काखा गाघा अंगा, का जब बोलते हैं तो जबान कहां लगती है, फिर खा में और पीछे, गा में और पीछे, घा में और पीछे, जब अंगा बोलते हैं तो गले से निकलता है। द एंटायर फोनेटिक्स इज डिजाइंड एज पर द कंटूर ऑफ योर वोकल कार्ड। एक प्रकार के शब्द एक साथ, तथ दधना सब दांत से अंतर है, पफ बभ मह सब होंठ से, इतना डेवलप्ड इतना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, और हमें समझाया जा रहा है कि नहीं ये छोड़ दो तो वैसी बात हो गई कि हमारे पास स्मार्टफोन है मगर दुनिया जो है वो पुराना वाला जो नोकिया हम यूज करते थे उसके पीछे भाग रही है, तो नहीं जी हम तो उसी के साथ चलेंगे। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमें एक ये समझाया जाता है साइंटिफिक नहीं है, हम लोग साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक एटीट्यूड से चलना चाहिए। मान लिया साहब बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड से चलना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अभी एक विवाद आ गया था, उस विवाद पर नहीं जाना चाहता, जब वो हज का सब्सिडी खत्म हुई तो कुंभ मेले का विषय आ गया। कुंभ मेला हम सब जानते हैं, कुंभ मेले का एक एस्पेक्ट आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, कुंभ मेला कितने साल में एक बार पड़ता है, 12 साल में एक बार क्यों पड़ता है, क्योंकि वो जुपिटर की साइकिल पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आता है, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार पड़ता है, हजारों सालों से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको पता था ना कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है, इनको तो अभी 100 साल पहले पता चला कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। और उसके बाद हमको समझा दिया जाता है नहीं साहब हम अनसाइंटिफिक थे। अब आप एक और बड़ी मजेदार बात देख लीजिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन तय करता है, सरकार घोषणा करती है ना, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, अखबार में आता है, किस बेस पे आता है, नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है कि फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। मगर ये बताइए 1950 से पहले तो नासा की ऑब्जर्वेटरी नहीं थी, 1920 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी उससे पहले रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट नहीं पता था, सॉरी 1916 में, 1920 में एडविन हबल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी उससे पहले एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स नहीं पता था, 1900 में मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की क्वांटम की थ्योरी दी फोटॉन्स वाली उससे पहले प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ही नहीं पता था, 1897 में जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा उससे पहले आप मानते थे एटम अनडिविजिबल है, और 1633 में आप ये कहते थे, गैलीलियो को फांसी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ गलत है। तो भैया आप 380 साल चल के जहां पहुंचे हैं, हमारा पंचांग तो युधिष्ठिर के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है, क्या मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये तो साइंटिफिक। फिर भी हमें समझाया जाता है कि साथ जो हमने सोचा उस सब हम अनसाइंटिफिक थे, हम गलत थे। बड़ी मजेदार बात है, इन ए स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन 50 साल में, देखिए ये जो अर्बन नक्सल्स थे उन्होंने हमारे दिमागों में क्या क्या भरा और फैक्ट क्या था, 50 साल पहले जिस जिस चीज का मजाक उड़ाया गया वो चीज आज ठीक उसके उलट हो गई। 50 साल पहले कहते थे अरे यार ये अगर खेती करनी है तो मैकेनाइज फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, गाय के गोबर से कोई खेती होती, आदमी चांद पहुंच गया तुम गाय के गोबर पे पड़े हो। आज नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ। 50 साल पहले क्या कहते थे, अरे भाई ये जड़ी बूटियों फल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है, नीम हकीम खतरा है जान, खाना है तो नई दवाएं खाओ, क्लोसिन मेटासिन टेरामाइसिन। आज आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं केमिकल नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ। ठीक, आज से केवल 50 साल पहले आप ये कहते थे, जब हम कहते थे पेड़ों की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, पहाड़ की रक्षा करो, कहते थे दिस इज द रेमिनिसेंस ऑफ ए प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। आज 1992 के रियो डी जनेरो से लेकर 2009 के कोपेनहेगन से लेकर 2016 के पेरिस तक आप कहते हैं नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट करो। भैया सब कुछ उलटता जा रहा है, जो हमने कहा जिसका आपने मजाक उड़ाया वो सब कुछ सही होता जा रहा। अब मैं एक और बात कहूंगा जिसका भी बहुत मजाक उड़ाया गया, शायद हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, भारत में
ये कहा जाता था कि ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगाओ। संत महात्मा जाके गुफा में ध्यान लगाते थे, पीर फकीर जाके कहते थे इल्हाम हो जाएगा। लोग कहते थे क्या बेवकूफ है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि जाके ध्यान लगाया ज्ञान प्राप्त हो गया। इफ यू वॉन्ट टू अटेन नॉलेज यू मस्ट आउटरीच, अंडरस्टैंड द थिंग्स, मीट द पीपुल, विजिट द प्लेस, लाइक व्हाट डार्विन हैज डन। अब 50 साल बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो रास्ते हैं, एक यहां से दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, 16 से 22 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट, और आज का अखबार कल पढ़िए। और दूसरा है कि मोबाइल पर डाउनलोड करिए खट से और पढ़ लीजिए, क्यों आपके हाथ में डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई उसने सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसने सपोर्टिंग नेटवर्क भी बनाया है। उसी ढंग से हमारा शरीर एक डिवाइस है, तो इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार और कॉन्शियसनेस एक सॉफ्टवेयर है, और उसका कनेक्टिंग नेटवर्क भी है, बस नेटवर्क से कनेक्ट होना है और सब डाउनलोड। और अंत में मैं एक उदाहरण दूंगा, सब कुछ कहा जाता था कि पैसे के कारण शोषण हुआ, इसलिए खड़े हो जाओ, लोगों के साथ भिड़ जाओ। हमारे यहां परंपरा में त्याग का महत्व था। हम आपसे पूछें, दो राजा बताइए जो सबसे बड़े महान माने गए भारतीय संस्कृति में, राजा राम और राजा हरिश्चंद्र, दोनों इसलिए कि त्याग किया, इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा इलाका अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह कब्जा कर लिया। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, वो त्याग कैसे समाज में रचा बसा था। हमारे पूज्य संतों में से एक हुए संत रविदास, काशी के रहने वाले थे, उनके पास भगवान राम की एक मूर्ति थी, काशी नरेश उनके पास गए, कहा जाता था इतनी सिद्ध मूर्ति है आप कृपया इसे मुझे दे दीजिए, ऐसी मूर्ति राजा के पास होनी चाहिए राजभवन में, ना कि इसमें, मैं इस मूर्ति के वेट का 10 गुना सोना आपको दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी इसके वेट का 100 गुना सोना दे दूंगा, उन्होंने मना कर दिया। तो राजा को थोड़ा क्रोध आ गया, उसने कहा ऐसा है रैदास जी, आज जिस झोपड़ी में रह रहे हैं इसमें जितना सोना आ सकता हो नीचे से ऊपर तक उतना भर लीजिए, उतना मैं आपको देने को तैयार हूं। तो एक बार उनकी पत्नी का मन आया कि भाई ऐसा बढ़िया ऑफर नहीं मिलेगा, अब हमें इस पर विचार कर लेना चाहिए। रैदास ने क्या जवाब दिया, एक मोरो राम नाम धन, एक मोरी आशा, ऊ धन आई है ई चले जाइए, है ना चाहे भगत रैदास, मना कर दिया। रैदास जी क्या थे, वो जूते बनाते थे, आज की परिभाषा के अनुसार दलित थे। अब आप आइए, संत कबीर जुलाहा थे, आज की परिभाषा के अनुसार ओबीसी। जब उन्होंने, उनके बेटे ने भगवान के भजन के बजाय पैसा कमाना शुरू किया, तो कबीर ने क्या कहा, उनके बेटे का नाम था कमाल, उन्होंने कहा बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और हरिका भजना छोड़ के घर ले आया माल। यानी उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया, आप त्याग में रह के दिखाएंगे। अब आप आइए, मीराबाई राज परिवार की थी आज के हिसाब से फॉरवर्ड, और उन्होंने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और जन्म जन्म की पूंजी पाई बाकी सबे लुटाए। उन्होंने भी पैसे की तरफ नहीं देखा। और अंत में ये सब एक ही कंटेम्प्रेरी है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो ब्राह्मण थे फॉरवर्ड आज के जमाने के हिसाब से। कहा जाता अकबर उनके पास गए, अकबर ने कहा कि आप हमारे दरबार में आकर स्थान ग्रहण करिए, हम आपको 60,000 की मनसबदारी देंगे। उस जमाने मनसबदारी एक रैंक होती थी, तो जैसे 40,000 की मनसबदारी वाज मैक्सिमम, 60,000 का मतलब हुआ कि राजा के बाद सबसे बड़ा स्टेटस आपका होगा। तो तुलसी ने क्या जवाब दिया, हम तो सेवक राम के हियो धरे दरबार, हमारे तो हृदय में भगवान राम का दरबार धरा हुआ है, तुलसी का अब होएंगे नरके मनसबदार। ये मैंने क्यों बताया, जो बातें ये अर्बन नक्सलिस्ट समझाते हैं कि शोषण किया गया, कैपिटलिज्म किया गया, अगर मार्क्स ने कहा धर्म एक अफीम है जो गरीबों को पिला दी जाती है ताकि अमीर उस पर हुकूमत करता रहे, पर यहां ऐसा नहीं था, मैंने दिखाया समाज का निचला वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, राज करने वाला वर्ग हो, सबने कहा जो त्याग करेगा वो महान है।